हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी जीके हब। आज का हमारा टॉपिक है पेनिनसुलर रिवर्स। लास्ट लेक्चर में हमने हिमालयन रिवर कर लिया था, और ये जो आज का टॉपिक है ये है पेनिनसुलर रिवर्स, और ये ड्रेनेज का पार्ट टू है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में अगर मैं आपको बात करूँ तो दीज आर मोर एंशियंट देन हिमालयन रिवर्स एंड हैव ऑलमोस्ट अटेंड ओल्ड एज। तो इनकी जो एज है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन रिवर्स बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये उनसे भी मतलब पहले वाले टाइम से एग्जिस्टेंस में है पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स डिपेंड अपॉन रेनफॉल, दस दे आर सीजनल। तो ये जो रिवर्स हैं ये आपके रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। तो कुछ सीजन होंगे जिनमें इनमें पूरा पानी भरा होगा, कुछ सीजन होंगे जिनमें ड्राई होंगे। अब ड्राई का मतलब ऐसा नहीं कि नदी पूरी सूख गई, मतलब वाटर लेवल एक सिग्निफिकेंट लेवल तक कम हो जाएगा और वो आपको एक बहुत ही बड़ा रिवर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दीज आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग। यहाँ साइड में मैप है जिसमें सारे रिवर दिए गए हैं, तो आप इसे भी थोड़ा ध्यान में रखिए। देखिए, नर्मदा और तापी ये आपके अरेबियन सी में आकर मिलेंगे, ये आपके वेस्ट फ्लोइंग। बाकी देखिए, आप महानदी देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर गोदावरी देख रहे हैं, ये आपकी कृष्णा रिवर है, ठीक है, और ये कावेरी है। इन सब की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सब कहाँ पर आके करेगी, ये सब कहाँ पर आकर ड्रेन हो रही हैं, ये सब हो रही हैं बे ऑफ बंगाल में आकर ड्रेन। ठीक है, तो ये है आपकी ईस्ट फ्लोइंग, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो डेल्टास बनाते हैं, वेस्ट फ्लोइंग एस्चुरीज बताते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको कोस्टल प्लेन्स में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। इनमें इन्हें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकांतक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। देखिए, यहाँ से ही शुरू हो रही है, जो ये जहाँ पर आपकी ब्लू लाइन खत्म होती हुई दिख रही है, यहाँ पर यहाँ से ही शुरू होती है। दिस इज अमरकांतक प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश। ठीक है, फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यान रेंज। सतपुरा और विंध्यान रेंज, आप वो जो आपका पहला लेक्चर था माउंटेन्स वाला, वो सॉरी प्लेट्यू वाला है ना, उसमें मैंने आपको बताया था सतपुरा और विंध्यान रेंज यहाँ पर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। विंध्यान रेंज नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को अलग करती है, तो उनके बीच में जो रिफ्ट वैली है उसमें नर्मदा फ्लो करती है। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड फॉर्म्स एस्चुरी। तो देखिए, एस्चुरी तो ये बनाई गई क्योंकि एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, फ्लोज थ्रू महाराष्ट्र एमपी एंड गुजरात। तो तीन स्टेट में इसका ड्रेनेज है। ठीक है, फेमस वाटरफॉल कपिल धारा एंड धुआंधर आर लोकेटेड ऑन इट। तो दो वाटरफॉल इस पर लोकेटेड हैं, एक तो कपिल धारा, दूसरी धुआंधर। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं तापी रिवर की। इट इज नोन एज ट्विन ऑफ नर्मदा, ओरिजिनेट्स इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए, री तापी, नर्मदा कुछ यहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, तापी यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, और बिल्कुल इसके थोड़ा पैरेलल पाती फॉलो करती है। ठीक है, इसलिए इसको ट्विन ऑफ नर्मदा भी कहा जाता है। ठीक है, और ओरिजिनेशन हमने देख ही लिया, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। उकाई डैम इस पर सिचुएटेड है, और जो सूरत सिटी है गुजरात का, बहुत ही फेमस सिटी है, वो इस रिवर बैंक पर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं महानदी की। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ओरिजिनेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट हो रही है। देखिए, अगर आपको ये डिस्ट्रिक्ट नहीं भी याद है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप स्टेट याद रखिए कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। इट्स ट्रिब्यूटरीज आर शिवनाथ, हाजदो, मांड, जोंक एंड टेल। देखिए, पांच बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं, और आपको इनका नाम याद होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आ सकता है और आता भी है कई बार। हीराकुड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन दिस रिवर। तो इस पर डैम कौन सा है, हीराकुड। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं गोदावरी की। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर अमंग द पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर जो भी है उसमें लॉन्गेस्ट कौन सा है, गोदावरी, और वैसे इंडिया में लॉन्गेस्ट कौन सा है, गंगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। गोदावरी फॉर्म सेकेंड लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया। हाँ, लार्जेस्ट कौन सा है आपका, सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में बनता है। ठीक है, गोदावरी फॉर्म सेकेंड लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम त्रिंबक नियर नासिक इन महाराष्ट्र। फिर से बता रहा हूँ, आप ये लोकेशन छोड़ सकते हैं, स्टेट याद रख सकते हैं,
ये ऑप्शनल है, पर फिर भी आपको लोकेशन का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। इट्स ट्रिब्यूटरीज आर पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, सबरी एंड प्राणहिता। देखिए सारी ट्रिब्यूटरीज आपको याद होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि पांच छह यहाँ पर लिखी हुई हैं और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ऐसा नहीं है, कई बार ट्रिब्यूटरीज पर क्वेश्चन आ जाता है। और मतलब ये बिल्कुल इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ऐसा नहीं कि इसके बाहर भी आपको कुछ याद रखना है, ये मोर देन सफिशियंट है। इसके बाद पोलावरम डैम इज बिल्ट ऑन दिस रिवर, तो ये गोदावरी का हमने देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में आपको याद रखनी है। ये साइड में आपको मैप मैंने थोड़ा यहाँ पर दिया है, आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं कृष्णा रिवर पर। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। इट फॉर्म्स इट्स डेल्टा नियर विजयवाड़ा। इट्स ट्रिब्यूटरीज आर तुंगाभद्रा, घटप्रभा, कोयना, मालप्रभा, भीम एंड मूसी। ये ट्रिब्यूटरीज देखिए याद करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, आप पांच छह बार इन स्लाइड्स को देखिए, ये ऑटोमेटिकली आपको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई आपको वहां पे ऐसा पूछेगा कि पांच ट्रिब्यूटरीज बता दो, आपको तो ऑप्शंस आएंगे, आपको बस सही आंसर मार्क करना है। तो आप अगर पांच छह बार इन स्लाइड्स को देख लेंगे तो आपको वहां पर ऑप्शंस देखकर याद आ जाएगा कि ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है? इससे और अच्छा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। एग्जाम से पहले आप इन स्लाइड्स को रिवाइज कीजिएगा, आपको एग्जाम में अच्छे से याद आएगा। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम एंड अलामती डैम आर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस दिस रिवर कृष्णा, ठीक है? अब लास्ट में बात करते हैं कावेरी की। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कावेरी पट्टम नियर ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका। इट्स ट्रिब्यूटरीज आर हेमवती, सिमसा, अरकावती, लोकपावनी, हेरांगी, भवानी, सुबर्णावती, कबानी एंड अमरावती। कृष्णराज सागर डैम इज बिल्ट ऑन दिस रिवर, ठीक है? तो ये था कावेरी के बारे में। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सिटीज ऑन रिवर बैंक, ठीक है? तो इसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट हर रिवर जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बैंक पर कौन सा सिटी है वो मैंने आपको बताया। अब देखिए जो इसमें बहुत ही मतलब रेयर मोमेंट पे पूछे जा सकते हैं सवाल है ना, वो मैं आपको बताता चलता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन्हें आप याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कौन से हैं, जो आपके जो मेन रिवर अब तक हमने डिस्कस किए हैं जो इनके बैंक्स पर हैं, वो बिल्कुल मेन सिटीज हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए जैसे तापी, इसके बैंक पर है सूरत, ऐसे विजयवाड़ा आपके कृष्णा रिवर के बैंक पर पड़ता है, हैदराबाद आपका मूसी, बद्रीनाथ आपका अलकनंदा रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है, ऐसे जबलपुर नर्मदा, दुर्गापुर दामोदर रिवर के बैंक पर है, ग्वालियर आपके चंबल रिवर के बैंक पर है, कोटा चंबल, धौलपुर आपके चंबल रिवर के बैंक पर है, झांसी बेटवा, नासिक गोदावरी, उज्जैन शिप्रा, अहमदाबाद साबरमती। देखिए अहमदाबाद को याद करने का तो सबसे अच्छा तरीका है कि आपको याद है अहमदाबाद में साबरमती फ्रंट है ना, तो वो तभी बना है जब साबरमती रिवर वहां से फ्लो हो रही हो, तो अहमदाबाद साबरमती रिवर के बैंक पर है। ऐसे ही कोलकाता हुगली पर है, देखिए हुगली ब्रिज भी है वहां पर, आप उससे रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। आगरा, अब देखिए यूपी में, और मथुरा आगरा वाला जो रीजन है वो यमुना का पड़ता है, तो देखिए आगरा यमुना के बैंक पर हो गया है ना। ऐसे ही जो ग्वालियर, कोटा और धौलपुर, इस तरह से याद रखिए, थोड़ा चंबल का रीजन है इसलिए यहाँ पर चंबल रिवर जो है उसके बैंक पर है ये तीनों सिटी। देखिए जैसे आप मध्य प्रदेश को देखेंगे तो वहां पर एक अलग से रीजन बोला जाता है चंबल रीजन, ठीक है? वो इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि चंबल रिवर वहां से फ्लो करती है। तो ग्वालियर, कोटा और धौलपुर ये आपके चंबल रीजन के बैंक पर हो गए, ठीक है? ऐसे जबलपुर जो है वो नर्मदा के बैंक पर है। देखिए नर्मदा मैंने आपको बताई थी मध्य प्रदेश के अमरकांतक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, तो जबलपुर भी आपका मध्य प्रदेश में उसी एरिया के आसपास पड़ता है। तो इस तरह से आप रिलेट करके इसे याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं। इलाहाबाद आपका संगम, दिल्ली आपका यमुना, ये तो सबको ही पता होगा, खैर बहुत ही जनरल सी चीज़ है कि आपका दिल्ली जो है वो यमुना के बैंक पर सिचुएटेड है। इलाहाबाद संगम, संगम यहाँ पर रिवर मिलते हैं, गंगा मिलती है, यमुना मिलती है और सरस्वती मिलती है, इसलिए यहाँ पर संगम, ठीक है? हरिद्वार कुछ ये तो मतलब देखने की भी जरूरत नहीं है, गंगा ही है। कानपुर और पटना, ये सब गंगा के
बैंक पर ही सिचुएटेड है। श्रीरंगापट्टनम कावेरी, तिरुचिरापल्ली कावेरी, लखनऊ गोमती। लखनऊ में देखिए गोमती फ्रंट भी है, उससे आप रिलेट कर कर याद कर सकते हैं। डिब्रूगढ़, देखिए डिब्रूगढ़ आपका पड़ेगा आसाम में, और आसाम में हमने एक ही रिवर पढ़ा है, वो है ब्रह्मपुत्र, तो इसलिए आप याद रखिए डिब्रूगढ़ गुवाहाटी ये सब ब्रह्मपुत्र के बैंक पर सिचुएटेड है। कटक आपका महानदी पे सिचुएटेड है, संभलपुर महानदी। अब देखिए श्रीनगर मैंने आपको बताया था वुलर लेक है, वहाँ पर झेलम वहाँ से पास होती है, तो झेलम के बैंक पर ही सिचुएटेड है आपका श्रीनगर। अयोध्या सरयू, ये थोड़ा याद रखिए अयोध्या सरयू, ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट सिटीज जो आपके रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स, देखिए जॉग फॉल ये शरावती रिवर पर है और हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है, कर्नाटका में लाई करता है। ये किस रिवर पर है थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, ये आ सकता है। धुआंधार मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था, नर्मदा के नर्मदा रिवर पर ये है, और नर्मदा कहाँ पर फ्लो होती थी, मध्य प्रदेश गुजरात उधर फ्लो होती थी, तो ये मध्य प्रदेश में है, ये याद रखिए। कपिल धारा भी नर्मदा पर थी और ये मध्य प्रदेश में। हुंडरू सुवर्णा रेखा रिवर पर है झारखंड में। दूध सागर जो वाटरफॉल है वो मंडोवी रिवर पर है गोवा में। ऐसे ही शिव समुद्रम ये कावेरी रिवर पर है कर्नाटका में। गोकक ये घटप्रभ जो आपकी ट्रिब्यूटरी थी है ना, उस पर सिचुएटेड है कर्नाटका में। पायकारा पायकारा रिवर पर है तमिलनाडु में। तो एक मेरी टिप है, आप चाहें तो ये लास्ट की चार छोड़ सकते हैं, चार या पांच इन्हें आप छोड़ सकते हैं, ये फॉर द सेक ऑफ कंप्लीट। अगर आपकी मेमोरी बहुत शार्प है आप सब रट लें, अगर नहीं है और आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप ये शुरू की तीन ही याद रखें, क्योंकि बहुत ही रेयरेस्ट मोमेंट पर बिल्कुल ही आपकी किस्मत खराब हुई तब इनमें से आ सकता है बाकी के पांच में से, नहीं तो शुरू के तीन में से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो आप इसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पेनिनसुलर रिवर वाला पोर्शन, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे बचते हैं इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट डैम्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।